हेलो दोस्तों प्रिलिम्स 2024 दो को बचे हैं 2022 दिन यानी कि अप्रॉक्सीमेटली सात महीने इन सात महीनों में से अगर आप पाँच महीने अच्छे से यूटिलाइज करें प्रिलम्स की तैयारी करें हमारे साथ इन संभव 2.0 क्रैश कोर्स तो आपका प्रिलिम्स क्रैक करना आसान हो जाएगा अब इस क्रैश कोर्स में क्या ऐसा है जो बाकी क्रैश कोर्सेस में नहीं है देखिए जो हमारा कंटेंट है दैट इज अपडेटेड एंड इन सिंक विद द यूपीएससी स्टैंडर्ड्स इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों को ये कंटेंट काफ़ी ओवरवेलमिंग लग सकता है लेकिन प्रिलिम्स के रिक्वायरमेंट हैं कि आप पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें एंड दैट इज़ वाई दिस कोर्स इफ समन हैज डन दिस कोर्स लास्ट ईयर कॉम्प्रीहेंसिवली होलिस्टिकली चांसेस आर वेरी वेरी हाई दैट दैट पर्सन हैज़ क्लियर और ऐसे आपको हमारे वेबसाइट पर रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर भी रिव्यूज़ मिल जाएंगे प्रिलिम्स क्रैश कोर्स के तो एक काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव क्रैश कोर्स है अब इसमें देखो लाइव क्लासेस हैं तो आपको कोई डाउट है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप यू नो यू कैन आस्क द फैकल्टी यू कैन आस्क द टीचर एंड देन द फैकल्टी इज एग्जैक्टली वॉट यू सी ऑन द यूट्यूब ठीक है तो दे आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन राइट तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई की है अपने सब्जेक्ट को लेकर दे आर वेरी एक्सपीरियंसड सो दे नो कि इतना बेर मिनिमम तो रिक्वायर्ड है अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो अब उन लाइव क्लासेस के साथ साथ ना पी वाई क्यूज को डिस्कस किया जाता है एक टॉपिक खत्म होता है आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाता है उसका एंड देन एंड ऑफ द यू नो वेन दिस कोर्स गेट्स कम्प्लीटेड यू हैव एफिलटीज सो यू नो दिस कोर्स इज वन कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स दैट विल हेल्प यू इन केयरिंग द प्रॉब्स और अगर हम टाइम की बात करें देखो अभी टाइम है और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो कोर्स है ये थर्टियथ अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल बीस अप्रैल तक ये चलेगा तो अगर आप आधा दिन अपना प्रीलिम्स को दें और बाकी का आधा दिन आप मेंस को दें ठीक है जिसमें आप अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हैं ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कर रहे हैं या मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं ठीक है जिके? और आधा दिन यू हैव टू डिवोट टू प्रीलिम्स इन केस अगर आपका पहला प्रिलिम्स है और आपका प्रिलिम्स पहले आप अटैम्प दे चुके हैं और आपका क्लियर नहीं हुआ दोनों ही केसेस में यू हैव टू डिवोट हाफ अ डे टू प्रिलिम्स और ये पूरा दिन हो जाएगा जनवरी एंड ऑनवर्ड्स सो अंटिल जनवरी आपको प्रिलिम्स और मेंस में इक्वल डिवीजन करना है प्रिलिम्स में जीएस और सी सैट में इक्वल डिवीजन करना है और मेंस में ऑप्शनल और जी एस आंसर राइटिंग में इक्वल डिवीजन करना है दिस हैज टू हैपन अंटिल जनवरी एंड और उसके बाद फेब्ररी ऑनवर्ड्स इट्स प्रिलम्स जी एस एंड सी सैट अगर आप लास्ट ईयर देखें तो मल्टीपल जगह पे ना ऐसा था कि सी सैट की वजह से ना बहुत लोग फेल हो गए हार्डली 84,000 पीपल वर एबल टू क्वालिफाई सी सैट और उनका पेपर अल्टीमेटली चेक हुआ जिसमें से फाइनल जो 10,000 बच्चे थे देवर सिलेक्टेड फॉर मेन्स तो सी सैट भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल पेपर बनता जा रहा है चाहे वो क्वालिफाइंग है तो आपको उसकी भी तैयारी करनी है अगर आपको लगता है यू आर इक्विप्ड इन दैट डिपार्टमेंट सो यू कैन गिव इट लेस टाइम आप हफ्ते में एक घंटा दे दीजिए उसे अभी लेकिन आपको टाइम देना है और अगर आपको लगता है नहीं मेरा सी सेट अच्छा नहीं है आई माइट फेल देन यू हैव टू गिव इट यू नो सिक्स टू सेवन आवर्स एवरी वीक मे बी वन आवर डेली और आधा दिन सैटरडे या संडे को सो यू हैव टू मेक अ स्केड्यूल एंड यू हैव टू स्टिक टू इट और जो हमारा कोर्स है वो एक तरह से ना आपको इस स्कीड्यूल बनाने में हेल्प करता है अब वही वाली बात है देखो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स लाइव क्लास लेंगे प्रलेंस ओरिएंटेड सिलेबस अच्छे से कवर होगा अलॉन्ग विथ पी वाई क्यूज अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस टेस्ट अलॉन्ग विथ एफ एल्टीज कॉन्टेंट कवरेज एक चीज़ है उसके साथ टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एक चीज़ है एम सी क्यूज में हम पी वाई क्यूज और प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम एफ एल्टीज प्रैक्टिस करते हैं और ये सब कुछ इसी कोर्स में होता है अलॉन्ग विद ऑब्वियसली मेंटरशिप जो अकेडमिक रहती है अगर आपका कोई भी डाउट है आप पढ़ रहे हैं कोई भी डाउट है सो वी हैव अकेडमिक मेंटर्स एंड मेंटर्स आर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो आपकी स्ट्रैटेजी में अगर उनको कोई फ्लॉ लगता है या आपको कोई फ्लॉ लगता है आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं सो दैट इज वॉट ऑल इज कवर्ड इन अ क्रैश कॉज तो 30 अक्टूबर को शुरू होगा और 20 अप्रैल तक ये चलेगा एंड इसकी वैलिडिटी 2024 तक है उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया सी सैट अगर आप सी सैट के साथ कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं देखिए मैं आपको यही कहूँगी कंक्लूजन में कि प्रिलिम्स इज़ नॉट ईजी और बहुत सारे बच्चे जो मेंस लिख कर भी आए हैं उन्होंने भी एक यही बात बोली कि प्रिलिम्स हमें नहीं पता अगले साल हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा तो इवन फॉर समवन हुज़ गॉटन अ रैंक क्लियरिंग प्रिलम्स इज़ टफ ई इज इट टफ बिकॉज इट रिक्वायर कंसिस्टेंट प्रेपरेशन कंसिस्टेंट होलिस्टिक प्रपरेशन दोनों ही चीजें होती हैं आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं और उसको कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं दोनों चीजें साथ साथ करना बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी मिसिंग होगी या सही कॉन्टेंट मिसिंग होगा तो प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं होगा हम आपको सही कंटेंट के साथ कंसिस्टेंसी ऑफर कर सकते हैं हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं चलना आपको ही है लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आप हमारे साथ चलें तो आपका प्रॉब्लम्स ज़रूर क्लियर हो सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड हैव अ गुड डे थैंक यू सो मच